बच्चों कमिंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. मैम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन. मैम दो तरीके के कैपिटल फॉर्मेशन टू टाइप्स बताए गए हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट बोले तो दो फॉर्म्स है उसके. तो एक एक करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैम क्या है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है मैम एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट क्या होता है इट इज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल. अब स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है मैम दो चीजें एक फिक्स्ड एसेट्स दूसरा अनसोल्ड स्टॉक. आई विल रिपीट स्टॉक ऑफ कैपिटल इसका मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक. सो मैम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल लेकिन बिफोर मेकिंग एनी अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन. मैं इसको और डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं आपको समझाती हूं ये वाला डायग्राम ध्यान देना. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट मेरे को अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है ना तो मैं क्या करती हूँ डेप्रिसिएशन माइनस कर रही हूं और मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर रही हूं. आई विल रिपीट मेरे को जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर रही हूं और मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर रही हूं. मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप बोल रहे हो तब उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और जब आप नेट इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है. मैम इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे मैं आ जाऊं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक वो स्टॉक ऑफ कैपिटल है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है. बोले तो वो स्टॉक ऑफ कैपिटल है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है क्योंकि उसको माइनस किया नहीं है. ये बॉक्स में आगे ये बताया हुआ है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना वो एक्चुअल चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल नहीं बताता है. इट डज नॉट इंडिकेट एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमी स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर अ गिवन ईयर. मैम क्यों वो एक्चुअल चेंज इंडिकेट नहीं करता क्योंकि एक्चुअली जब प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन होता है ना तब फिक्स्ड कैपिटल एसेट यूज होता है तब मशीनरी यूज होती है तब फिक्स्ड कैपिटल एसेट यूज होता है. तो मैम कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब मशीनरी यूज हो रही है या कोई भी एसेट यूज हो रहा है तो मैम जब वो यूज हो रहा है तो वो डेप्रिशिएट होएगा नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से. तो मैम यूजेज की वजह से पैसेज ऑफ टाइम की वजह से वो डेप्रिशिएट हो रहा है और अगर वो डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमको उसको माइनस करना होगा जितना हमने हमारी एसेट को यूज किया फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. तो अमाउंट ऑफ यूसेज बोले तो डेप्रिसिएशन उसको हम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा ना हमारा एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है कितना. पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है नहीं हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना एक्चुअल चेंज नहीं बताता है. फर्दर कमिंग अहेड विद द नेट इन्वेस्टमेंट मैम नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका टोटल कैपिटल स्टॉक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसमें से आपने जितना यूज कर लिया अपना एसेट वो अमाउंट ऑफ यूसेज बोले तो वो डेप्रिसिएशन को हम कर देते हैं माइनस. तो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. जैसे हमने ऑलरेडी देखा मैम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट पे आना है तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी और मेरे को नेट इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे आना है तो मैं डेप्रिसिएशन प्लस करूंगी. मैम डेप्रिसिएशन क्या होता है आप 11th स्टैंडर्ड के एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हो जिसपे आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर अच्छे से किया हुआ है. स्टिल मैम डेप्रिसिएशन क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते करते जो उसकी फॉल इन वैल्यू होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. मैम फॉल इन वैल्यू क्यों होती है मैम फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ये तीन रीजन की वजह से होती है. मैम रीजन नंबर एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर भाई तू एसेट को यूज करेगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मल वेयर एंड टेयर उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थोड़ी कम होगी वैल्यू कम होगी क्योंकि वो यूज हो रहा है.
पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप बोलते हो कि मैम फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक्टिवा ली, मैम वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, मैंने यूज ही नहीं की, तो मैम 50,000 की एक्टिवा है वैसी की वैसी पड़ी हुई है, मैंने यूज नहीं की, तो मैम आज दो साल बाद भी मैं 50,000 ही उसकी वैल्यू मानूंगा. नो, विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू डिक्रीजेस इवन इफ नॉट पुट इन टू यूज. मैम्स बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, विंड, वेदर, प्लस नई नई टेक्नोलॉजी भी तो आ रही है, तो मैम पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है. थर्ड रीजन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात करी कि मैम कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो कम टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी. सिमिलरली कोई स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो गई तो आपकी मशीनरी की बोले तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है. सो दीज आर द थ्री रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन फिक्स्ड एसेट. तो मैम ये तीन रीजन को आप स्टेटमेंट में डाल दोगे तो बन जाती है आपकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन. बोले तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर पॉइंट नंबर वन, पैसेज ऑफ टाइम पॉइंट नंबर टू, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस पॉइंट नंबर थ्री. बन गई आपकी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन. फर्दर डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम, उसके अलग अलग रंग रूप पर मतलब डेप्रिसिएशन. मैम उसका एक नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसका दूसरा नाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसका तीसरा नाम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, उसका चौथा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो ये अलग अलग नाम है एक ही इंसान के, किसके? डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इसमें बताया है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. मैम हम ऑलरेडी करके आए हैं 11th स्टैंडर्ड में. कैसे होता है? अगर 10 लाख की आपने एक मशीनरी खरीदी और अगर आपको लगता है ये मशीनरी की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है तो SLM के हिसाब से जाएंगे तो पर ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कितना मानोगे? मैम 1 लाख. सो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, पर ईयर का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 लाख. ये तो एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है जो आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो. सो दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. साथ ही साथ इन्होंने यहां पर ये बताया है कि हर साल जितना भी एसेट डेप्रिशिएट होता है आप उतना फंड्स का प्रोविजन करते जाओ सो दैट 10 साल बाद आपके पास रिप्लेसमेंट का फंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेडी हो. So, ये इन्होंने यहां पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एंड प्रोविजन ऑफ फंड्स के बारे में बात करी है. सो दिस इज अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. फर्दर मूविंग अहेड विद मैम डेप्रिसिएशन समझ में आ गया. अब आप ये बताइए डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस में क्या फर्क है? क्या ये सेम है या ये अलग है? क्या फर्क है? मैम जो डेप्रिसिएशन है ना उसके रीजन क्या है? मैम डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन वैल्यू, हाँ भाई पता है, पर उसके रीजन वही तीन, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. मैम कैपिटल लॉस का डिफरेंस रीजन क्या है? मैम इसका रीजन है अनफॉरसीन ऑब्सोलेंस, पता नहीं था और हो गया, नेचुरल कैलामिटी थेफ्ट. मैम अनफॉरसीन, एक्सपेक्टेड नहीं था और हो गया. मैम डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन आपको पता ही है होने वाला है तो आप उसके लिए प्रोविजन करना शुरू कर देते हो फॉर ऑल द एक्सपेक्टेड लॉस. आप उसकी रिप्लेसमेंट का प्रोविजन करना शुरू कर देते हो क्योंकि आपको पता है. मैम ये तो अनफॉरसीन था, पता ही नहीं है कैपिटल लॉस, तो इसके लिए नो सच प्रोविजन इज मेड बिकॉज इट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस. मैम डेप्रिसिएशन डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, पता है क्यों? क्योंकि 10 साल बाद जब मशीनरी खत्म हो जाएगी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो 10 साल से आप उसका प्रोविजन ऑफ फंड्स तो मैम बना के चल ही रहे हो तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्क नहीं आएगा क्योंकि उसकी तैयारी आप करते आ रहे हो. लेकिन मैम जिसके बारे में पता ही नहीं हो कैपिटल लॉस, उसकी तैयारी आप कैसे करोगे? तो तैयारी नहीं की और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो मैम आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को वो हैम्पर करेगा. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस का डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स
यहां पर हमने मेजरली पढ़ा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस पे आने का एक जरिया है, एक रास्ता है, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस समझने के लिए दो टॉपिक हम समझते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है मैम? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज समझने के लिए सीधा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्पीकर बनाया, स्पीकर बना 500 रुपए का। मैम स्पीकर कैसे बना? वो लेबर, रॉ मटेरियल सब यूज किया और हमारा स्पीकर बन गया, जिसका कॉस्ट बनता है पर स्पीकर 500 रुपए। मैम अब ये जो स्पीकर बनाना 500 रुपए का, गवर्नमेंट ने बोला चलो इस पे जीएसटी लगाओ। तो मान लो कि गवर्नमेंट ने इस पे जीएसटी बोला लाओ 10%, ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट ने ये प्रोडक्ट के ऊपर लगाया, उसकी वजह से जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, बोले तो जो फैक्टर कॉस्ट थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बना ना स्पीकर, तो ये जो फैक्टर कॉस्ट थी वो 500 प्लस गवर्नमेंट को जो देना पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स 50, तो टोटल कितना बन गया 550। अब है ना, गवर्नमेंट ने समझो हमको सब्सिडी दी। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स टू एनकरेज द प्रोडक्शन और सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज इन सर्टेन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैकवर्ड एरिया में मेरा कोई इंडस्ट्री सेटअप करती हूं, तो गवर्नमेंट गिव्स मी सर्टेन सब्सिडी। बोले तो 50 लाख की अगर कोई मशीनरी है जो मैं सेटअप करती हूं बैकवर्ड एरिया में, एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में, गवर्नमेंट अगर उस पे 50% सब्सिडी देती है, तो मेरे को 50 लाख की मशीन कितने में पड़ गई? 25 लाख की। तो मैम सब्सिडी इज समथिंग विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फर्म टू एनकरेज से फॉर एग्जाम्पल सेटअप ऑफ मशीनरीज इन बैकवर्ड एरिया। तो सब्सिडी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स। तो यहां के एग्जाम्पल में समझो सब्सिडी देती है एक स्पीकर के ऊपर 10 रुपए, तो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कितना दे रहे हैं? 50 रुपए, और गवर्नमेंट हमको कितना दे रही है सब्सिडी? 10 रुपए। तो नेट अमाउंट मैंने गवर्नमेंट को कितना दिया? मैंने दिया 50, मेरे को मिला 10, तो मैंने नेट अमाउंट गवर्नमेंट को कितना दिया? बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने कितना दिया? 40। तो मैम फैक्टर कॉस्ट 500 रुपए प्लस 40 रुपए, मेरी मार्केट प्राइस क्या हो गई? 540। सो लेट अस वंस अगेन लुक अप टू द टेक्स्ट ऑफ योर बुक। स्पीकर 500 रुपए का था, कैसे बना था? मैम लैंड, लेबर, कैपिटल यूज करके पर स्पीकर का कॉस्ट 500 रुपए आया। उस पर गवर्नमेंट ने बोला लाओ भाई जीएसटी दो, तो आपको कितने में पड़ गया स्पीकर? 550। फिर सब्सिडी आई। सब्सिडी क्या होती है मैम? एक इकोनॉमिक एसिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट देती है फर्म्स एंड हाउसहोल्ड को। क्यों मैम? वेलफेयर के हिसाब से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, 500 रुपए का स्पीकर, 50 रुपए गवर्नमेंट ने मांगे लाओ दो, स्पीकर पड़ गया 550 का। सब्सिडी गवर्नमेंट ने हमको दी 10 रुपए पर स्पीकर। सब्सिडी गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट करी? 10 रुपए पर स्पीकर। तो 550 अभी तक का कॉस्ट था, माइनस 10 रुपए 540। तो
नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, 50 गवर्नमेंट को दिया, 10 गवर्नमेंट से लिया, तो सीधा 40 रुपए, तो मैं 500 में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दूं तो आ जाता है 40। इसका फ्लो समझने के लिए ये डायग्राम देखें। मेरा फैक्टर कॉस्ट कितना था स्पीकर का, फैक्टर सर्विसेज यूज करके पर स्पीकर कॉस्ट कितना था, 500। अब फैक्टर कॉस्ट से अगर मेरे को मार्केट में क्या प्राइस पड़ेगी वो स्पीकर की, उस पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा। नेट मतलब जितना दिया माइनस लिया, दिया कितना 50, लिया कितना 10, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 40। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा आ जाता है मार्केट प्राइस। और अगर मेरे को मार्केट प्राइस बोले तो 540 से 500 पे जाना है, तो मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देना होगा माइनस। सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, ये तीन केस को डिस्कस करेंगे और हमको इसके टॉपिक के रिलेटेड और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो केस वन, इनडायरेक्ट टैक्स, हमने गवर्नमेंट को कितना दिया, कुछ भी नहीं, हमको गवर्नमेंट से कितना मिला, मैम सब्सिडी मिली 100 की, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुमने गवर्नमेंट को कितना दिया, मैम दिया कुछ नहीं, मिला हाँ पर नेट बताओ ना, मैम दिया कितना नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैम दिया कुछ नहीं, मिला, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज माइनस 100, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं, मिला तो माइनस 100। केस टू, इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो गवर्नमेंट को कितना दिया, 250, मिला कितना, कुछ नहीं, तो बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइनली कितना नेट अमाउंट गवर्नमेंट को दिया, मैम 250। केस लास्ट, इनडायरेक्ट टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया 200, मिला 120, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ 80। तो अगर मैं पूछूं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को कौन सी कड़ी जोड़ती है, क्या उसके बीच में लिंक है, तो उसके बीच में लिंक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जो हमको समझ आने वाले हैं इसी लिंक, इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट किया, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस किया, तो यही सब आगे हमको काम आने वाले हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कम्स अप टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम जो बाहर से कमाई हुई है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से यहां पर क्या आया है, माइनस यहां से बाहर क्या गया है, तो हो जाता है नेट। नेट इज नेट अमाउंट बताओ लेन देन के बाद। तो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना पैसा आया, माइनस हमने पे कितना पे किया। फैक्टर इनकम क्या होती है मैम, इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट कमा कर आते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैम जब रेसिडेंट्स बाहर जाते हैं सैलरी के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, सब अलग अलग तरीकों से पैसे कमा कर आते हैं, तो जब ये पैसा रेसिडेंट कमा के आता है बाहर से, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इनकम टू अब्रॉड, अगर नॉन रेसिडेंट आकर यहां से ये पैसा कमाकर जाता है, तो दैट इज फैक्टर इनकम पेड टू नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। नेक्स्ट, अब ये सर्कल समझते हैं, ये फ्लो समझते हैं, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं बाहर की कमाई को ऐड कर दूं, बोले तो नेट, नेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से टोटल नेट कितना कमाया सब लेन देन के बाद, उसको मैं प्लस कर दूं, तो आ जाता है नेशनल इनकम। और अगर मेरे को नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आना है, तो बाहर से कमाया हुआ पैसा मेरे को करना पड़ेगा माइनस। तो मैम डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में जो कड़ी है, जो लिंक है, वो क्या है, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, पॉपुलरली एब्रीविएटेड एज NFIA। आई विल रिपीट, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में जो लिंक है वो फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है, विच इज पॉपुलरली एब्रीविएटेड एज NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो बाहर की कमाई माइनस करें।
मैम नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू हमारा डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे समझा है. लेट अस मूव अहेड. जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. पॉजिटिव कब? जब बाहर से कमाया हो ज्यादा. बोले तो बाहर से कमाया है 100 और दिया है 20, तो नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव हो गया 80. नेगेटिव कब होगा? जब बाहर हमने दिया है 100 और हमने कमाया है से फॉर एग्जाम्पल 80, तो बाहर से कमाई कितनी आई है 80 और हमने दिया कितना 100, तो हमारा नेगेटिव आंसर आ गया -20. जीरो कब होगा मैम? जब हमने बाहर दिया भी 100 और हमने बाहर से लिया भी 100. तो एन एफ आई ए कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो. कंपोनेंट्स ऑफ एन एफ आई ए. मैम तीन कंपोनेंट्स हैं, हमको ऑलरेडी पता है, बस ये हेडिंग को गो थ्रू कर लेते हैं. कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज. मैम अगर नॉर्मल रेसिडेंट, हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर बाहर जाकर काम करता है और उसको सैलरी वेजेस मिलते हैं तो वो यहां पर पैसा लाया. सिमिलरली अगर नॉन रेसिडेंट वर्कर यहां पर काम करता है और वो यहां से सैलरी वेजेस लेके जाता है तो वो पैसा बाहर गया. तो एक हो गया कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज. दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अगर नॉर्मल रेसिडेंट की कोई वहां पर प्रॉपर्टी है या वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस वहां पर देकर आता है जिसकी वजह से उसको मिलता है रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो वो वहां से कमाया हुआ पैसा. सिमिलरली अगर हम लोग इंडिया अगर नॉन रेसिडेंट को यही सब पेमेंट करती है तो वो बाहर गया. थर्ड इज नेट रिटेन्ड अर्निंग्स. अगर रेसिडेंट कंपनी अब्रॉड में है और उनका कुछ रिटेन्ड अर्निंग बच गया है प्रॉफिट में से तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और अगर नॉन रेसिडेंट की कंपनी यहां पर है और अगर उनकी कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स बच गई है अपने प्रॉफिट में से यहां पर तो वो पेमेंट टू अब्रॉड. तो दीज आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एफ आई ए. लेट अस मूव अहेड दीज थ्री फोर केसेस टू अंडरस्टैंड अबाउट एन एफ आई ए. हमने फैक्टर इनकम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमने कमाया बाहर से 500 और हमने बाहर दिया 300, तो एनएफआईए कितना हुआ मैम? 200. अगर हमने बाहर से कमाया 250 और हमने दिया 620, तो मैम हमने तो ज्यादा दे दिया, एनएफआईए माइनस में 370. लास्ट टू केस आर इंटरेस्टिंग, ध्यान देना. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने दिया कितना? 150. लिया कितना? कुछ नहीं. दिया कितना? 150. तो हमारी नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड मैम माइनस में चली गई. एंड द लास्ट वन इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ध्यान देना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने दिया कितना, मतलब बाहर हमने दिया कितना? हमने दिया -150. फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमने दिया -150. मैम हमने दिया -150 मतलब हमको मिला, तो एन एफ आई ए कितना हो गया? 150. सो दीज आर द फोर केसेस ऑफ एन एफ आई ए. विद दिस वी कंप्लीट आवर लास्ट चैप्टर, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट थरोली. एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क anything you want related to the chapter. See you all. Bye-bye.